नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। खराब मौसम के कारण हरिद्वार में रुके सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, मुजफ्फरनगर के मीरापुर में एक चुनावी जनसभा को करना था संबोधित। उत्तराखंड के भराड़ी सैन में मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम धामी, बद्रीनाथ मास्टर प्लान के कार्यों का लिया अपडेट। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने पर आज शंकराचार्य की गद्दी पहुंची जोशीमठ नरसिंह मंदिर, स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं से किया स्वागत। दून यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय कौशल और रोजगार सम्मेलन का शुभारंभ, कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा मौजूद। केदारनाथ उपचुनाव प्रचार का अंतिम दिन, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा केदारनाथ की जनता का रुख भाजपा के खिलाफ नजर आ रहा। तो चलिए अब खबरों का रुख करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मीरापुर में चुनावी जनसभा में शामिल होने का कार्यक्रम खराब मौसम के कारण बाधित हो गया। कम विजिबिलिटी के चलते उनका हेलीकॉप्टर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से उड़ान नहीं भर सका, जिससे उन्हें हरिद्वार में ही रुकना पड़ा। सोमवार को अखिलेश यादव को मुजफ्फरनगर के मीरापुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करना था। गाजियाबाद में कोहरे की वजह से उनका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो सका और लौटते समय अंधेरा होने के कारण उड़ान संभव नहीं हो पाई। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर कुछ समय इंतजार करने के बाद अखिलेश यादव हरिद्वार चले गए, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया। मौसम संबंधी समस्याओं के कारण उनकी मीरापुर यात्रा स्थगित होने से स्थानीय कार्यकर्ताओं में निराशा है। हालांकि सपा अध्यक्ष का संदेश है कि वो जल्द ही चुनाव प्रचार के लिए फिर से मैदान में उतरेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार रात भराड़ी सैन में बिताने के बाद आज मंगलवार सुबह को मॉर्निंग वॉक पर निकले। वॉक पर उनके साथ चमोली जिले के जिला अधिकारी और एसपी भी थे। इस दौरान उन्होंने जिले के विकास कार्यों का अपडेट लिया, साथ ही उन्होंने इस बार संपन्न हुई बद्रीनाथ धाम यात्रा और उसकी व्यवस्थाओं का अपडेट भी लिया है। साथ ही अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्ण कार्य पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद आज शंकराचार्य की गद्दी नरसिंह मंदिर पहुंची, जहां पर स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं से डोली का स्वागत किया है। डोली के जोशीमठ नरसिंह मंदिर पहुंचने के साथ ही बद्रीनाथ धाम की यात्रा का भी समापन हो गया है। देहरादून के दून यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय कौशल और रोजगार सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद हुए। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। केदारनाथ उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों के लिए चुनाव प्रचार का समय समाप्त हो गया है और अब सबको 20 नवंबर यानी कि कल का इंतजार है। वहीं इसी बीच कांग्रेस पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, जिसके चलते उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि केदारनाथ की जनता का रुख भाजपा के खिलाफ नजर आ रहा है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जिस तरह भाजपा के तुगलकी फरमान से केदारनाथ धाम की अस्मिता को चोट पहचाने का काम किया गया है, उससे जाहिर होता है कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। देखिए, नाराजगी है सरकार से और बदलाव का माहौल दिख रहा है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार तुगलकी फरमान जारी कर रही है, जिस तरह से जनविरोधी फैसले ले रही है, जिससे जन समस्याओं की लगातार अनदेखी हो रही है, विकास थम चुका है और सबसे बड़ा प्रश्न है कि
लोगों के जहन में भी है कि खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां ग्रीष्मकालीन स्थान से चार धाम के कपाट बंद होने के बाद अब शीतकालीन स्थल से चार धाम के दर्शन कर सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी शीतकालीन चार धाम यात्रा पर जोर दिया जा रहा है। अगर आप भी ग्रीष्मकाल दौर में चार धाम के दर्शन नहीं कर पाए तो अब आप शीतकाल में भी चार धाम यात्रा के दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हिंदू समाज में एक भ्रांति पैदा हो गई है। गोचर मेले की स्टार नाइटों का दर्शक जमकर लुफ्त उठा रहे हैं। राज्य स्तरीय राजकीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक मेला गोचर की पांचवी शाम बाल कलाकार अनुराग शाह और साथ ही लोक गायक नरेंद्र नेगी और लोक गायिका खुशी जोशी के नाम रही। इस दौरान लोक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से झूमने पर मजबूर हो गए। साथ ही स्थानीय लोक कलाकारों ने भी मेले में लोक संस्कृति के रंग बिखेरे। देहरादून की हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की वजह से शहरवासियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। एक समय में पहाड़ों की साफ सुथरी हवाओं के लिए मशहूर इस शहर की हवा भी अब प्रदूषण के जाल में फंसती नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जो साफ संकेत है कि शहर की हवा में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। आज देहरादून का AQI लेवल अब सामान्य नहीं दिखाई दिया। वहीं प्रदूषण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि थर्मल इन्वर्जन की वजह से आगरा से लेकर मणिपुर तक AQI लगभग एक जैसी दिखाई गई है। इसका कारण थर्मल इन्वर्जन है। सर, मजारों को लेकर तमाम बातें होती, सरकार कहती है कि हम लैंड जिहाद को पर एक्शन ले रहे हैं, उस पर क्या कार्रवाई चल रही है सर? मुख्य रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश भी पारित हुए हैं वहाँ पे, जिसके क्रम में उत्तराखंड में जो सरकारी भूमि है, सरकारी पार्क है, ऐसे क्षेत्रों में कोई भी धार्मिक अवस्थापनाएँ अगर वहाँ वैध रूप से अवैध रूप से होती है और जिसको हटाने की या उसको विस्थापित करने की जो व्यवस्था उसमें दी गई है, इसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। जो संबंधित सक्षम अधिकारी है उनके द्वारा कार्रवाई करते हुए अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों में विधिक कार्रवाई जो प्रॉपर नोटिस देते हुए कार्य किया जा रहा है। जहां तक वन विभाग की बात है, यहां पे जिस प्रकार से वन भूमि पर अतिक्रमण चल रहा था यहां पे, तो एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के अंतर्गत 1200 वास्तव यह है कि जितना जो जो धारावी में रहता है उसको वहां घर मिलेगा, जो धारावी में फर्स्ट फ्लोर पे उस प्रकार से अधिकृत नहीं है उसको भी घर मिलेगा, धारावी में जो इंडस्ट्रियल यूनिट है तो 250 स्क्वायर फीट का उनको भी मिलेगा। अगर ये सब चीजें हो रही है धारावी में, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हमारे मुंबई वासी को अपना पक्का घर मिल रहा है, तो राहुल जी अबू धाबी को शेख को नहीं मिल रहा है, इसलिए आप चिंतित है क्या? यह हमारा आपको सवाल है। खबर उत्तराखंड के रुड़की से है, जहां रुड़की के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद महिला की मौत के साथ ही परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा काटा है। आपको बता दें कि परिजन सुबह गर्भवती महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे थे, तभी डॉक्टरों ने महिला का ऑपरेशन किया। महिला की मृत्यु के बाद परिजनों को बिना बताए एम्बुलेंस से हायर सेंटर भेज दिया गया। परिजनों ने जब महिला को देखा तो महिला की सांस नहीं चल रही थी, जिसके बाद परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची, तब तक डॉक्टर स्टाफ अस्पताल से फरार हो चुके थे। रहने वाले हम उनको सुबह 8 बजे लेके आए थे यहाँ पे, उसके बाद हम यहाँ से उतरे एम्बुलेंस में से, वो अपने आप चल के ऑपरेशन थिएटर तक गई हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि ऑपरेशन कर रहे हैं हम, ऑपरेशन के टाइम हमें थोड़ी देर बिठा के रखा कि आप लोग बैठो वेट करो यहाँ। हमने कहा हमें अंदर जाने दो, मिलाने दो उनसे, कह रहे नहीं उसके बाद ही मिलोगे ऑपरेशन के बाद। उसके बाद उन्होंने हमसे 10:30 बजे बताया कि डिलीवरी हो गई है और माँ और बच्चा दोनों ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला कि उसे दौरे पड़ रहे हैं,
तो हमने बोला दोहरे पहले भी पढ़े नहीं, हमने कहा कोई दोहरे नहीं पढ़े उन्हें आज से पहले, ये पहली बार बता रहे हो आप लोग। उसके बाद उन्होंने सीधा 5-10 मिनट बाद लाके सीधा एम्बुलेंस में डाल दिया और कह रहे इनको देहरादून लेके जाओ और वहाँ ठीक हो, वहाँ ठीक हो जाएगा इसका दौरे वगैरह। हाँ जी, ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी, लड़की बताई लड़की हुई है। डॉक्टर का सर नाम नहीं मुझे पता। इससे पहले इलाज नहीं चला था आपको? नहीं। यहाँ कैसे लेके आया सर? यहाँ मैंने एक लड़का सरकारी हॉस्पिटल में एक लड़का बैठा हुआ था बाहर गेट, उसने कहा कि मैं आपको लेके चलता हूँ वाली डायमंड हॉस्पिटल में। और क्या मतलब? यहाँ सुबह डिलीवरी के लिए आए थे हम, तो मैडम ने बोला कि बच्चा हमारे लिए, बच्चा और माँ दोनों सेफ चाहिए, हमें पैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बोला ठीक है। तो उन्होंने डिलीवरी के दौरान हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। उसके बाद हम बोला माँ और बच्चा दोनों सेफ है। तो उसके बाद फिर हमने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने अपने आप ही एम्बुलेंस को फ़ोन किया, फिर बोला कि इनको देहरादून के लिए रेफ़र कर दो। तब हमने देखा, हाथ लगाया मैंने, तो बॉर्डर बॉडी में कुछ नहीं। कब लेके आए जाते हैं? और हमें पेशेंट से मिलने भी नहीं दिया है, कुछ नहीं, कुछ बता ही नहीं रहे हैं। कब लेके आए जाते हैं? सुबह। क्या बच्चा सेफ है? बच्चा भी अभी देख रहे हैं, अभी गया है। कौन डॉक्टर है यहाँ पर बताया आपको? डॉक्टर को बताया नहीं था, डॉक्टर सब भाग गए यहाँ से, सब स्टाफ भाग गए। क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते कि इनके ऊपर केस हो, ये मुश्किल बंद हो। अब यहाँ मस्जिद में कोई संचालक नहीं है? संचालक कोई नहीं है। देहरादून से है जहां चार धाम समेत अन्य मंदिरों में वीआईपी दर्शन के प्रोटोकॉल पर आपत्ति जताते हुए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि किसी भी मंदिर में, चाहे वो चार धाम हो या देश का कोई और मंदिर हो, कम से कम एक स्थान ऐसा होना चाहिए जहां पर सभी हिंदू जाकर ये अनुभव करें कि यहां पर सब बराबर हैं। अगर मंदिरों में भी वीआईपी दर्शन होते हैं तो ये हिंदू भावना के बिल्कुल विपरीत है, जिसके स्वामी जी भी विरुद्ध हैं और साथ ही इसको हिंदू धर्म के विपरीत किया गया कार्य मानते हैं। कि किसी भी मंदिर में, चाहे वो चार धाम हो, चाहे कोई देश का मंदिर हो, कम से कम एक स्थान ऐसा होना चाहिए जहां पर हर हिंदू जा करके ये अनुभव करे कि यहां पर सब बराबर हैं। अब भारत में स्टेशन में आपने ट्रेन में क्लास बना दिए हैं, लाउंज बना दिए हैं अलग अलग कैटेगरी के, हर जगह पर भेद हो गया है। केवल एक हमारे भगवान के मंदिर बचे हैं जहाँ पे हम एकाकार हो सकते हैं, वहाँ पर भी अगर वीआईपी और गैर वीआईपी बनाएंगे तो यह हिंदू धर्म की मूल भावना के प्रतिकूल है, और इसीलिए किसी भी जगह वीआईपी दर्शन या कैटेगराइज दर्शन के हम विरुद्ध हैं और हम इसको हिंदू धर्म के विपरीत किया गया कार्य मानते हैं। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने युवक पर हुई फायरिंग मामले में खुलासा करते हुए संजय पासवान नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि 12 तारीख को बगवाला में मामूली विवाद के बाद ड्यूटी पर जा रहे युवक ने मुसाफिर पर फायरिंग कर दी थी। गंभीर हालत में उसे हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर कर दिया गया। मुसाफिर की पत्नी शोभा ने 13 तारीख को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने सोमवार को संजय पासवान को बगवाला के विमको फैक्ट्री के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 12 बोर का तमंचा और खाली खोखा भी बरामद किया है। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। बेसिकली ये 12 नवंबर की घटना है जिसके संबंध में दिनांक 13 को हमें एक तहरीर प्राप्त हुई थी जिसमें सुसंगत धाराओं में हमने अभियोग पंजीकृत किया था, क्योंकि जानलेवा हमले से संबंधित बहुत ही संगीन अपराध था। तो इसमें हमने टीमों का गठन किया था जिन्हें एक बड़ी सफलता मिली है आज, जिसमें एक अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त तमंचे और एक कारतूस के साथ हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री की हम लोग जानकारी कर रहे हैं और इसको इन्वेस्टिगेशन इसमें फर्दर की जाएगी। जो भी फैक्ट्स आते हैं इन्वेस्टिगेशन में उसके बेस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। विकासनगर के शेरपुर गांव में जहां आज तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि शेरपुर गांव में किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा ग्राम समाज की भूमि में कब्जा कर लिया गया था जिसमें निर्माण किया जा रहा था। ग्रामीणों की शिकायत पर आज एडीएम देहरादून, एसडीएम विकासनगर, नायब तहसीलदार और
तहसील विकास नगर के तमाम राजस्व अधिकारी ने पहुंचकर जमीन पर किए गए निर्माण को बुलडोजर के द्वारा ध्वस्त कर करीब 9 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। वहीं एडीएम देहरादून ने कहा कि अगर विकास नगर क्षेत्र से कोई और भी इस तरह की शिकायत आती है तो उस पर भी जल्द ही बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये जो है मुझे देख के बहुत खुशी हुई है। तहसील प्रशासन का, राजस्व विभाग का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। एडीएम साहब खुद मौके पर पहुंचे और यहाँ पर जो ये अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था, इनके द्वारा हमारे ऊपर चौकी में रिपोर्ट भी कराई गई। मतलब इतनी दादागिरी दिखाई जा रही थी कि हम चारों तरफ से त्रस्त हो चुके थे। चौकी प्रशासन से भी हमें फोन आ रहे थे, वो हमें बोल रहे थे कि यहाँ के कट्टे और सरिये जो है हमें दे दीजिए। उसके बाद हम परेशान होकर डीएम महोदय के पास गए और मैंने खुद अपने लेटर पैड दिया, वहाँ पर अपने लेटर पैड पे लिख के दिया। उसके बाद मैं आज बहुत खुश हूँ कि राजस्व विभाग ने और एडीएम सर ने आके मौके पे आके उस अवैध निर्माण को तुड़वाया है और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आगे भी हमारा विभाग ऐसे ही काम करता रहेगा। और मैं इस आपके माध्यम से तहसील प्रशासन को, डीएम महोदय को और एडीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी सुनी है। अगर शेरपुर गाँव में कार्रवाई हुई जमीन पर कब्जे मुक्त कराया जा रहा है, पहले भी यहाँ पर कार्रवाई हुई थी, क्या कहेंगे सर? नहीं, शिकायत हुई थी जो जनता दरबार जिलाधिकारी महोदय प्रत्येक सोमवार को करते हैं, इसमें कोई भी आकर अपनी शिकायत कर सकता है। उसमें शिकायत हुई थी तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि मैं स्वयं इसका पर्यवेक्षण कर लूं, क्योंकि बार बार शिकायतें क्यों आ रही हैं। तो आज मैं इसी शिकायतों के क्रम में आया हूँ और पूरी राजस्व की टीम है, एसडीएम साहब विकास नगर वो मेरे साथ हैं और जो हमारी राजस्व की टीम है वो चेक कर रही है अभिलेखों से, नक्शा भी लेकर आए हैं, खतौनी वगैरह है, खसरा वगैरह है, सब कुछ है। जो जमीन सरकारी होगी और उस पर अवैध कब्जा होगा ये चिन्हित करेंगे। जेसीबी साथ में है, एक जगह का पता हो गया तो उसकी नींव वगैरह इन्होंने तोड़वा दी है। अन्य भी जो अभी चेक कर रहे हैं, जो पाए जाएंगे उनको हटा के जाएंगे। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, आगे की तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ।